रविनगर स्थित एक बियर बार में दो आपराधिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ कर बार को जलाने का प्रयास किया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए दहशत और अफरा तफरी का माहौल रहा। अमजरी थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। रविनगर चौक निवासी अनिल वसंत कुमार बेथिया का चौक में ही उडीपी नाम से बियर बार और रेस्टोरेंट है। शुक्रवार को अपराह्न करीब 4:30 बजे तेलंगखेड़ी निवासी असलम कलाम शेख और रहीम शरीफ शेख बार में घुस गए और काउंटर पर रखे कंप्यूटर, बियर की बोतलें और फर्नीचर की तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद असलम ने जेब से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और फर्नीचर पर डालकर आग लगाने का प्रयास किया। घटना के दौरान बार में कुछ ग्राहक और कर्मचारी थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस बीच फोन कर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने के पहले ही आरोपी असलम और रहीम फरार हो गए। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इधर रविनगर चौकाच्या बाजूला उडुपी बार आहे। त्यांच्या मालकाने काल फिर्याद दिली की असलम कलाम शेख वय 35 राणा रामनगर आणि रहीम शरीफ शेख वय सुमारे 33 राणा रामनगर यांनी ते तिथं आले 4:30 वाजता आणि त्यांनी खुर्च्या आणि टेबल फेकाफेक केली आणि जाताना पेट्रोलची बाटली काढून पेट्रोल छिडकलं आणि आग लावली असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्या आगीमध्ये काही कोणाचं जीवितहानीचा प्रश्नच नाही, वित्तहानीसुद्धा खूप जास्त झालेली नाही, फक्त तिथे टेबल थोडंसं भडका उडल्याचं दिसतं आहे तिथं। मात्र घटनेनंतर आम्ही तात्काळ आरोपितांचं क्रिमिनल रेकॉर्ड पाहिलं। असलम शेखवर 2016 तीन गुन्हे दाखल आहेत, चोरीचा आहे 294 आहे आणि आर्म्स ॲक्ट आहे तलवार दाखवून दम देणं आणि एक गर्दी केल्याचा पण याफ्रेचा गुन्हा आहे आणि 2020 त्याच्यावर 427 आणि 523, 504, 506 अशी वेगळा करणं आणि दरवाज्यावर दगड मारून फेकणं असा गुन्हा दाखल आहे। त्याच्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये त्याच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली होती। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।